Assalamualaikum and hey all my viewers, welcome back to Nazu's vlogs and welcome again to another vlog in my channel. So here I am and आज के vlog में मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ मेरा नया vlog, क्योंकि मैं usually vlogs में मेरे वही दिखाती हूँ जो मैं कभी मैं बाहर जाऊँ दोस्तों के साथ तो वो व्लॉग बना लेती हूँ, कभी सेफू के साथ जाती हूँ, कभी मेहकू के साथ, समटाइम्स बर्थडे पार्टीज. And so I thought today let me chat with all my viewers. Like I'm so happy that all of you like my vlogs, comment on my vlogs. That makes me really very very happy. So I thought I should interact more with my viewers जो मेरे vlogs देखने के लिए time निकाल रहे हैं. So I'm so glad. So I thought let me chat with all my viewers so that my viewers know me more. तो आज by the way मैं बना रही हूँ चिकन मोगलाई. तो कुकिंग करते करते आई विल शेयर विद ऑल माय व्यूअर्स. सो मैंने अभी चिकन भीगने के लिए रखी है डीप फ्रोस्ट होने के लिए. तो कुकिंग करते करते आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू एंड मेरे को आने का भी टाइम हो. सो लेट्स कंटिन्यू. तो ये रहे मैंने एज आई सेड चिकन मोगलाई की रेसिपी तो पोस्ट ऑलरेडी कर दी है मैंने. आई एम जस्ट स्टिल शेयरिंग इट. आई हैव टेकन 4 अनियंस एंड 4 टोमेटोस. तो कुकिंग भी थोड़ी थोड़ी दिखाती रहूँगी और लेकिन आज चैटिंग ज़्यादा करूँगी. बाय द वे लेट मी बिगिन विद वन मोर थिंग. ये नाज़ोज़ व्लॉग्स भी नोबडी कॉल्स मी नाज़ो एक्चुअली. आई एम ऑलवेज नाज़ी या एंड नाज़ो मैंने खुद को ही दिया है बिकॉज आई समवेयर लाइक कि आई शुड बी कॉल्ड एज नाज़ो. सो जब मैंने व्लॉग बनाने का सोचा तो मैंने सोचा कि मैं वो नाम रखूँगी जो मुझे पता है, नाजियाज़ व्लॉग्स. आई एम नाजिया, एवरीवन कॉल मी नाजिया बट आई लाइक टू बी कॉल्ड एज नाज़ो. तो मैंने नाज़ोज़ व्लॉग्स क्रिएट कर दिया. तो ऐसे बनी नाज़ो एंड एज आई सेड अनियंस चॉप करते करते बात कर रही हूँ मैं. तो आई डू वन थिंग, जस्ट क्विकली चॉप द अनियंस एंड देन आई कंटिन्यू टॉकिंग. तो अभी प्याज तो फ्राई हो रही है, आई एम गोना चॉप द अनियंस. और अभी मैं व्लॉग ले ही रही थी और मैं भी आ गई एंड नाउ मैं की सेइंग शी वांट्स चिकन कढ़ाई, शी डजंट वांट चिकन मोगलाई. सो अभी जिस मैंने प्याज ही फ्राई किए तो आई एम चेंजिंग द रेसिपी टू चिकन कढ़ाई. तो चिकन कढ़ाई के लिए मैंने प्याज चॉप की थी, प्याज टोमेटो एंड रेड कढ़ाई बना रही हूँ मैं. हो सके तो मैं सारी व्लॉग में ये रेसिपी भी इंक्लूड करूँगी. तो ये रही प्याज, प्याज में है तेल और मैं अभी ऐड कर रही हूँ टोमेटोज, 5 big टोमेटोज. तो ये रही चिकन विद बोन्स. तो कढ़ाई में यूजुअली पिछली बार मैंने व्हाइट कढ़ाई बनाई थी, अब इस बार मैं लाल कढ़ाई बना रही हूँ इसलिए मैंने टोमेटोज ऐड किए हैं और सारे मसाले अनियन टोमेटोज ऑयल और चिकन ऑलरेडी डाल दिए है मैंने. आई एम डिसाइडिंग द मसालाज जेनरसली लाइक चेक कर करके मेजर करके नहीं, यू कैन एड अकॉर्डिंगली. ये रहे सारे मसाले मैंने प्लेट में एक साथ निकाल लिए. हल्दी सब में कम, 1 teaspoon गरम मसाला, 2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, दिस इज जीरा पाउडर एंड दिस इज धनिया पाउडर और नमक भी ऐड करूंगी. ये सारे मसाले एक साथ मैं इसमें डाल रही हूँ. और ये रहा सॉल्ट, दैट्स 2 teaspoon, ये भी शामिल कर रही हूँ. बस हो गए सारे मसाले और तेल मैंने थोड़ा कम ऐड किया था तो थोड़ा तेल. तो ये था, ये रहा पैन जिसमें मैं फ्राई कर रही थी अनियंस को, बट मेकू ने तो सारा मेन्यू ही चेंज कर दिया. चिकन मोगलाई से नाउ आई एम मेकिंग चिकन कढ़ाई, सो आई डोंट नीड दैट. हियर इज एवरीथिंग, सारे मसाले विद चिकन अनियंस एंड टोमेटोज एंड ऑल्सो ऑयल. नाउ आई एम गोना मिक्स इट नाइसली. किया है सारे मसालों को और अभी आई एम एडिंग सम वाटर. इसी पानी में इट्स गोना कुक नाइसली. तो पानी भी ऐड कर दिया है. नाउ आई ऑन द स्टोव और वेयर्स द लिड. हार्लेट अभी मैंने मूझ दिया है और इसको पकने दूंगी 1-10 मिनट बाद आई विल चेक, क्योंकि नीचे लगना नहीं चाहिए, जल जाएगा.
एनीवेज 10 मिनट में तो नहीं जलेगा, एटलीस्ट टोमेटो सॉफ्ट हो जाएंगे. आई जस्ट कीप स्टरिंग टिल द टोमेटोज एंड अनियंस आर कम्प्लीटली कुक्ड. मैं एक्चुअली बात करना चाहती थी अबाउट बच्चों के एग्जाम्स के बारे में. क्या होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं. एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज लास्ट मेरे एग्जाम के टाइम जब ऑनलाइन एग्जाम था एंड वन साइड आई एम जस्ट पैकिंग सेल्फ फूड ब्रेकफास्ट एंड लंच, आई एम बिजी इन द किचन. एक तरफ मेरा सेल्फ फूड तैयार हो रहे और मेरे को दूसरे गेटिंग रेडी फॉर एग्जाम बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम था. आई वॉज बिजी इन द किचन, आई जस्ट गेव अ ब्रेकफास्ट एंड आई सेड ऑल द बेस्ट, क्लोज द डोर, do exam because we parents were strictly asked not to go around our children around mehak when we are when they giving their exam because online exam tha. To exam shuru hi ho raha hai ki mehak started puking. She said I'm not feeling well, I don't know what has happened to me, my head is aching, I feel like puking, I just want to sleep. She said I was not able to understand what's happening. Then I immediately called her teacher. I said, "Ma'am, I don't know what has happened to her all of a sudden." So I made ma'am say request here that थोड़ा उसको 10 minute दे दो कि मैं उसको थोड़ी तबीयत ठीक करा दूँ. 10 minute के बाद she's joined the class and I also requested her for extra time. Her teacher was really very kind. She said, "Yes, maybe I understand it happens. Okay, I'll give her extra time. She can start her exam late." Then I realized all this happened because of me, क्योंकि मैंने मेरे को इतना प्रेजराइज कर दिया था पढ़ाई मैथ्स को लेकर कि उसके दिमाग में सारा प्रेजर इतना बिल्डअप हो गया एंड शी गेव अप व्हेन द टाइम ऑफ एग्जाम एक्चुअली केम. तो तब मुझे पता चला कि मेरी गलती कि मैंने क्योंकि वी पेरेंट्स व्हाट वी थिंक वी आर वेरी लीनियंट. आई डोंट नो अबाउट आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल अदर पेरेंट्स, पेरेंट्स लाइक मी वी आर वेरी लीनियंट व्हेन exams are not there. जब exams नहीं है we are very lenient with them. Like they go to school, they come home, play, eat, sleep, that's it. But जब exams आ रहे हैं we are behind them like anything. Study, 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 study. So maybe that pressure builds up. तो अभी next term शुरू हुआ है तो मुझे पिछली बार मेरी गलती से मैंने realize किया और इस बार मैंने मेरे को थोड़ा भी pressurize नहीं किया और मुझे मालूम था कि एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं तो मैंने स्लोली स्लोली रिविजन करवाना शुरू किया और एग्जाम के एक दिन पहले भी मैंने मेरे को थोड़ा भी प्रेशराइज नहीं किया. आई सेड जस्ट स्टडी ऑन योर ओन, यू हैव ऑलरेडी डन द रिविजन, आई डोंट वांट टू बी बिहाइंड यू लाइक. एंड शी वाज फाइन, उसने वो प्रेशर लिया नहीं और हैप्पीली शी जिस टाइम स्कूल में था एंड एग्जाम के एक दो दिन पहले बच्चों के पीछे पढ़ना इज वेस्ट ऑफ हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी और उनकी क्योंकि दो दिन में वो सब कुछ नहीं पढ़ सकते बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दे जस्ट गो अटेंड द स्कूल बट व्हेन एग्जाम कम्स दे हैव 4-5 चैप्टर्स एंड इट्स लाइक समथिंग टू मच फॉर देम. सो आई थॉट आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू ऑल माई व्यूवर्स. आई एम श्योर मेनी पेरेंट्स आर देयर हु आर लाइक मी. क्वेश्चन वॉज नॉट टू हर्ट मेहक, हार्म मेहक, बट इन अ वे आई gave her a lot of pressure which I felt as a mom I shouldn't have done it. So is baar maine wo galti nahi ki. So I thought aaj share karti hu kyunki as I said vlog hi banane wali thi. Mere vlog se usually kabhi main shopping jaati hu, kabhi jaise maine bola doston ke sath jaati hu and my vlogs are more of that, my life in Dubai. So I thought ye bhi baat share karti hu aap logon ke sath. And that's it. ये देखें, it's come almost cooked. Chicken तो पक गई है, अच्छे से, और tomatoes भी पक चुके हैं. Now let's shift this to a kadai. और अभी इसकी भुनाई होगी. I've shifted to a kadai now. और ये जो सारे tomato का skin है, I'll just take it out. जितना हो सका मैंने उतना टोमेटो निकाल दिया है.
Now I'm gonna add a bit of oil. दो तीन हरी मिर्च मैंने चॉप की है, सारी को डाल दूंगी। अभी ये सारी क्रीम है जितनी आई थिंक इट इज 125 ml, तो सारा 125 ml मैं डाल रही हूँ। आई एम नॉट एडिंग योगर्ट। ये अभी मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। तो अभी कढ़ाई पक रही है, उसे मैं ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon ऑफ व्हाइट पेपर पाउडर और थोड़े चिली फ्लेक्स। लाल कढ़ाई है तो सब सारी लाल चीज़ें जाएगी कढ़ाई में, तो ऑलरेडी स्पाइसी है क्योंकि मैंने ग्रीन चिली डाला है, रेड चिली पाउडर भी डाला है, तो अभी मैं थोड़ा चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। गोना बी वेरी स्पाइसी क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी साइड पसंद है और मैं ऑल्सो ईट्स, तो आई जस्ट शो हाउ इट इज लुकिंग। ऑलमोस्ट डन, जस्ट आई हैव द कोरिएंडर नाउ, जस्ट हैव टू चॉप द कोरिएंडर। तो ये रहा चॉप्ड कोरिएंडर और ये रही कढ़ाई। कढ़ाई तो योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट आई अवॉइडेड इट। आई डोंट लाइक योगर्ट इन रेड कढ़ाई, आई लाइक इट इन व्हाइट कढ़ाई, इसलिए मैंने योगर्ट नहीं डाला। बिना योगर्ट के भी ग्रेवी अच्छी खासी बन गई है। द क्रीम हैज गिवन अ वेरी नाइस टेक्सचर इन द कढ़ाई। सो मेक माय कढ़ाई रेडी। सो सॉल्ट चेक कर लेती हूँ थोड़ा, 2 teaspoon तो डाला है मैंने, बिकॉज ऑफ सेट मैं ऐसे गाढ़े वाले जो डिशेज होते हैं मैं वही बनाती हूँ, मुझे भी पसंद आती है, अगर मज़ा हो तो ओके, बहुत मज़ेदार है। तो टाइम टू एंजॉय। और ये जब भी ऐसे हिला रहे हैं मेक श्योर कि सिम पर है, वरना फेस पर उड़ जाएगा डेफिनेटली। तो लेट्स टेस्ट विद द स्पून। यम, बहुत मज़े की बनी है। तो पिछली बार एक्चुअली मैंने योगर्ट डाला था, मुझे पसंद नहीं आया था, दैट्स व्हाई मैंने इस बार योगर्ट नहीं डाला है। नमक मिर्ची सब परफेक्टो। ये रही चावल कढ़ाई सब, तो की रोटी मज़ेदार लगती है, बट के लिए मैंने राइस बनाया है, डिनर में मैं रोटी बनाऊंगी। तो कुकिंग तो हो गई है, बट ऑलवेज मेक श्योर किचन इज क्लीन आफ्टर कुकिंग, बिकॉज अभी तो क्लीनर आने वाले हैं नहीं है। तो मैं जैसे जैसे कुकिंग करूंगी आई ट्राई टू कीप द किचन क्लीन, और जो भी डिशेज झूठे हुए हैं मैं उनको एक जगह रख दूंगी, सो दैट किचन इज क्लीन एंड टाइटी। ये सब धोने के डिशेज हैं।
स्पेशली व्हेन आई एम मेकिंग कढ़ाई बहुत सालन उड़ता है जब अगर हम सिम पर नहीं बनाते हैं तो स्टोव भी थोड़ा गंदा हो जाता है. सो डन फॉर द डे, कुकिंग इज डन, किचन इज क्लीन एंड टाइडी, मतलब अदर देन दीज डिशेस, ये मैं नहीं दूंगी सारे डिशेस. सो लेट्स गो एंड हैव लंच. तो चले ऑल माय व्यूअर्स, मैं मेरा व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ. होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें नाज़ुस व्लॉग्स को. टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा.